बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का और अपने सराउंडिंग में सब लोगों का बहुत ख्याल कर रहे होंगे और टाइम टू टाइम जो SOPs आपको शेयर की जा रही हैं कोविड के सिलसिले में उसका बहुत ख्याल कर रहे होंगे। ओके, अब तक हमने जो बात की है उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 तक की बात कर ली, इनवर्स लाप्लास ले लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली, ठीक है। तो अब हमने एक बेस लाइन बना ली है जिसमें हम अपने आप को जो है वो इस काबिल समझते हैं कि अब हम कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड कोई चीज़ें स्टार्ट कर सकें। अभी तक से जो भी हमारा सेशन चल रहा था दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 में के बाद हमने जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ था लेकिन हमने जो है वो उसको थोड़ा सा जो हमें रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक हमने काम किया। हमने इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन डिटेल से देखा, फिर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फ़ायदा प्लस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों लेना होता है उसके बारे में बात कर ली हमने, ठीक है। ये सारी बातें करने का मकसद क्या था, हमें जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड थीं जो हमने अपने कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करनी है। अभी भी मैं कंट्रोल सिस्टम का उस तरह से स्टार्ट नहीं ले रहा लेकिन अभी हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी भी अब हम आना चाह रहे हैं अपने सिस्टम की मॉडलिंग पे ताकि हमें जो है वो सिस्टम जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद हमें पता हो कि क्या है। चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज इंशाल्लाह और सबसिक्वेंट लेक्चर्स में हम जो है वो चैप्टर 3 को कवर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इज़ अबाउट मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायनामिक सिस्टम। चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ अ डायनामिक सिस्टम। अगर मैं इस चैप्टर के सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करूं, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग दो वर्ड्स हैं, एक मैथमेटिक्स है और एक मॉडलिंग है। इसके बाद जो है डायनामिक सिस्टम, आप सोचें अब ये एक एलिमेंट है, ये उस चैप्टर का दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। डायनामिक सिस्टम क्या होता है? डायनामिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जाहिर है कि इसके ऊपर आप जो है वो कोई चेंज आ रही होती है, कोई फोर्स लग रही होती है। अब डायनामिक सिस्टम का मतलब डायनामिक प्रोसेस भी हो सकता है। आपको ये पता है कि सिस्टम हमने क्या क्या था, सिस्टम को हमने डिफाइन किया था एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, जो भी चीज़ कंसिडरेशन में हो कि उसको हम सिस्टम का नाम देंगे। अब अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो वो प्रोसेस आपका सिस्टम हो जाएगा। अगर मैं कोई प्लांट की बात करूँ या मैं कोई हार्डवेयर की बात करूँ तो वो आपका कोई ना कोई जो है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ डायनामिक सिस्टम तो डायनामिक सिस्टम यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ रही होंगी, ठीक है। मतलब ये स्टैटिक सिस्टम नहीं होगा, ये खड़ा हुआ मतलब एक जगह पे रुका हुआ सिस्टम नहीं होगा, ये एक डायनामिक सिस्टम होगा जिसके अंदर कुछ फोर्सेस भी लग रही होंगी, कुछ आपके पास चेंजेस भी आ रही होंगी और उसके लिहाज से वेलोसिटी एक्सेलरेशन, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर भी ज़्यादा करंट की वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे। तो डायनामिक सिस्टम इज एनी सिस्टम विच कैन चेंज इटसेल्फ, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी जो डायनामिकल वेरिएबल्स हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स भी लग रही होती है। अच्छा, तो बाकी ये चीज़ तो आपको पता है डायनामिक सिस्टम क्या होता है, लेकिन जो इससे पहले वाली चीज़ है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल आपको ये पता है, मैथमेटिक्स की वर्ड से आपको ये समझ आ रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन। मैथमेटिकल का मतलब तो ज़ाहिर है कि मैथमेटिक्स इज नथिंग मोर देन इक्वेशंस, ज़ाहिर है कि उसमें सारी चीज़ें इक्वेशंस और उसी के लिहाज से रिलेट होती हैं। तो इसका मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन की बात हो रही है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। मॉडल क्या होता है, मॉडल क्या होता है जी, व्हाट इज मॉडल? अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो मॉडल इज समथिंग क्या होती है जी, मॉडल आपका होता है कि इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट थिंग, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि एक मॉडल एयरक्राफ्ट बनाओ, एक मॉडल मतलब कोई किसी चीज़ का भी मॉडल बनाओ, तो मॉडल का मतलब क्या है कि आई वॉन्ट यू टू मेक बट सिमिलर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। एयरक्राफ्ट मतलब वो एयरक्राफ्ट नहीं होगा लेकिन एयरक्राफ्ट
तरह की कोई चीज़ होगी, उसके अंदर वो सारे फीचर्स होंगे, सारी ड्राइंग्स होंगी, सारा मतलब उस ड्राइंग के मुताबिक बनेगा, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होगा। तो मॉडल समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअल, विच इज़ नॉट मतलब सेम। इसकी एग्जांपल मैं यूजली दिया करता हूँ, मॉडल जो आपकी मतलब रैंप के ऊपर मॉडल्स जो हैं वो वॉक कर रहे होते हैं, फर्स्ट करें एक एग्जेक्टिव सूटिंग की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक मॉडल ने जो है वो एग्जेक्टिव सूट पहना हुआ है, तो वो जो मॉडल है उस मॉडल ने सिर्फ सूट पहना होता है, वो एग्जेक्टिव नहीं होता, मतलब वो ना बिजनेसमैन होता है ना वो कोई और चीज़ होता है, मतलब वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक मॉडल होता है। यानी कि वो डिपिक्ट कर रहा होता है कि अगर कोई एक्चुअल एग्जेक्टिव ये वाला सूट पहनेगा तो वो ऐसा लगेगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि ना वो जो मॉडल है वो उसको पता है कि एग्जेक्टिव कैसे होते हैं या क्या एग्जेक्टिव के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, ना हमारे जो एग्जेक्टिव्स हैं वो उस तरह के होते हैं जैसे मॉडल्स होते हैं। मॉडल बड़ा स्मार्ट किस्म का एक लड़का या लड़की जो है वो वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जेक्टिव्स होते हैं, जाहिर है एग्जेक्टिव ज़रूरी नहीं है कि वो इतने स्लिम एंड स्मार्ट हो। ठीक है, मतलब जाहिर है कि दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ ईयर्स फॉर मतलब उनकी एफर्ट्स होती है वो सारा कुछ, लेकिन क्या कहते हैं मॉडल का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, इट इज़ जस्ट अ डिपिक्शन, इट इज़ नॉट द एक्चुअल थिंग। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल की जब मैं बात करूंगा तो मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा कि हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, मैंने जिस तरह बात की, चले फर्ज करें एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं, एयरक्राफ्ट का पूरा कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट का कंट्रोल सिस्टम तो ठीक है, अपनी जगह पे बात समझ आती है कि एयरक्राफ्ट का कोई कंट्रोल सिस्टम होगा। ठीक है, अब ये एक्चुअल एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा हुआ एक कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि इस कंट्रोल सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल, तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट का जो कंट्रोल सिस्टम है उसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, मैं उसका सिर्फ एक मैथमेटिकल मॉडल यानी कि मॉडल बना रहा हूँ, विच इज़ व्हाट, विच इज़ नॉट द एक्चुअल कंट्रोल सिस्टम बट इट्स मॉडल, और उसके साथ मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया विच इज़ मैथमेटिकल। इसका मतलब है कि अगर किसी भी सिस्टम को उसकी इक्वेशंस में लिख दिया जाए या मॉडल कर दिया जाए, ठीक है, अगर मैं किसी भी सिस्टम को उसकी इक्वेशन में उसके मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा, वो उसका मैथमेटिकल मॉडल होगा। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल मॉडल क्या है, इट विल कंसिस्ट ऑफ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको मैथमेटिकल मॉडल के बारे में, एफ इज इक्वल्स टू एम एक्स डबल डॉट, वॉट इज दिस, न्यूटन का सेकेंड लॉ है, लेकिन मैं इसको एक डायनामिक सिस्टम के साथ रिलेट कर रहा हूँ। एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को आप एफ फोर्स लगाते हो, ठीक है, लेट मी राइट इट स्मॉल इन स्मॉल लेटर क्योंकि टाइम डोमेन में बात कर रहे हैं, तो आपने फोर्स लगाई, उस फोर्स को लगने की वजह से क्या हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने ये एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा सिस्टम है जी सिस्टम, इस सिस्टम की अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लूँ, मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई एफ इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट। ठीक है, तो एम एक्स डबल डॉट इट्स द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ये क्या है जी आपके पास, ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है, ये जो भी आप कहें, एक डायनामिक सिस्टम था जिसमें एफ अप्लाई हो रही थी, उसकी वजह से फुटबॉल जो है वो मूव करता था सर्टन डिस्प्लेसमेंट एक्स, और उसकी मैंने एक इक्वेशन लिख ली, उसका एक मैथमेटिकल मतलब उसका एक मॉडल बनाया और उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख ली, तो ये मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ सिस्टम जिसमें आपके पास फोर्स लग रही है और एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोई भी इक्वेशन आप लिख लें, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लिख लें जो कि उस सिस्टम को डिफाइन कर रहा हो, सिस्टम को क्या कर रहा हो, मिमिक कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, उसका मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, अच्छा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई एक प्रोसेस से बनने वाला मैथमेटिकल मॉडल किसी और प्रोसेस के मैथमेटिकल मॉडल से यूनिक नहीं होगा। मैथमेटिकल मॉडल इज नॉट यूनिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक ही मैथमेटिकल मॉडल आपके डिफरेंट सिस्टम्स को
डिफरेंट सिस्टम्स को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होगा, या उसकी मैथमेटिकल मॉडल जो है वो एक से ज्यादा सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि इस सिस्टम का एक मैथमेटिकल मॉडल है, यही मैथमेटिकल मॉडल किसी और सिस्टम का नहीं हो सकता, इस तरह नहीं है। ये मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है 10 डिफरेंट सिस्टम्स का हो सके। अभी हम आगे चल के इसके ऊपर मजीद देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। जी, इसमें मजीद हम क्लैरिटी के साथ बात करेंगे तो आपको एक बड़ी मतलब क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि मैथमेटिकल मॉडल जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या आपका जो भी क्या कहते हैं एरोस्पेस का कोई सिस्टम है, उन सब के शायद एक ही जैसे मॉडल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इवन सेटेलाइट का मॉडल जो है वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किसी सर्किट से मिलता जुलता हो। ठीक है, बाकी क्या चीज़ें चेंज होती हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन दिस इज व्हाट द मैथमेटिकल मॉडल इज। ठीक है, अच्छा, इसमें जब भी आप मैथमेटिकल मॉडल की बात करते हो तो मैथमेटिकल मॉडल जो है वो क्या कहते हैं किसी assumptions की बेस पे बनाया जाता है। ठीक है, उसमें बहुत assumptions जो है वो इम्पोर्टेंट है, assumptions बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। assumptions अप्लाई करने से हमारे पास क्या होता है, हमारा सिस्टम जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, सिंप्लीफाइड मॉडल बन जाता है, एक्यूरेसी हमारी कंप्रोमाइज होती है। ठीक है, इस मैं इन दोनों को ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, एक्यूरेसी को और सिंप्लीफिकेशन को। अगर आप इस मॉडल की बात करते हो तो इस मॉडल में क्या चीज़ नज़र आ रही है, एफ इज इक्वल्स टू एम एक्स डबल डॉट। इसमें ना मैंने फुटबॉल की शक्ल की बात की है, ठीक है, सिर्फ मैथ्स की बात हो रही है, ना मैंने ये बात की है कि फुटबॉल में कितनी हवा भरी हुई है, ना मैंने ये बात की है कि एयर ड्रैग कितना है, ना मैंने फ्रिक्शन की बात की है, ना मैंने ग्रेविटी की बात की है, कोई फॉर्मूले में कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो अज्यूम किया जा रहा है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, अज्यूम किया जा रहा है कि फुटबॉल जो है वो उसकी जो भी शेप है वो कॉन्स्टेंट है, वो शेप अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, ये अजम्पशन के साथ जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर आप इसमें इसमें उस अजम्पशन की वजह से क्या हुआ कि आपका सिंपल मॉडल एफ इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट बन गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जी ड्रैग भी डालें, ड्रैग की फोर्स भी डालें, इसके अंदर मैं फ्रिक्शन का भी कहता हूँ कि जी फ्रिक्शन भी डालते हैं, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि ग्रेविटी का फैक्टर भी डालें, ठीक है, तो आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक्यूरेट इसकी एक्यूरेसी तो इंक्रीज कर रहा हूँ लेकिन ये सिंप्लीफाइड नहीं रहा, ये मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइड मॉडल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। अब जाहिर है ड्रैग की इक्वेशन लिखूंगा तो वो एक अलग भी इक्वेशन होगी, फ्रिक्शन की इक्वेशन लिखूंगा वो एक अलग इक्वेशन होगी, इसी तरह से ग्रेविटी के लिए अगर मैं कुछ चीज़ लिखूंगा तो वो एक अलग कुछ इक्वेशन की टर्म आ जाएगी, इसी तरह से अगर मैं मून और सन की अट्रैक्शन की बात करूँ तो वो एक अलग बात आ जाएगी, वेदर की बात करूं बारिश हो रही है या मतलब कोई और इस तरह के एलिमेंट ऐड कर दूं तो कोई और बात हो जाएगी। ठीक है, हवा की डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं हुई इसमें, ठीक है, एयर की डायरेक्शन में डालूंगा विंड डायरेक्शन, एक और टर्म ऐड हो जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं इसके अंदर मजीद टर्म्स ऐड करता जा रहा हूँ, येस माई मॉडल मैथमेटिकल मॉडल इज गेटिंग एक्यूरेट बट इट इज नॉट सिंप्लीफाइड एनी मोर। अब क्या हो रहा है आपके पास सिस्टम जो है वो आपका ये मैथमेटिकल मॉडल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात सोचने की है, वो ये है कि इन सारी टर्म्स को ऐड करने से हाउ मच एक्यूरेसी यू आर गेटिंग, हाउ मच एक्यूरेसी यू आर गेटिंग। ठीक है, और हाउ मच कॉम्प्लिकेटेड यू आर मेकिंग। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि जितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे उतने उसके एनालिसिस मुश्किल होते जाएंगे, उतना उसको जो है वो हैंडल करना मुश्किल होता जाएगा। जितनी एक्यूरेसी बढ़ाओगे, जाहिर है एक्यूरेसी बढ़ने से फायदा तो होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क है कि कितनी एक्यूरेसी बढ़ाओगे। अगर मैं एक रफ फिगर की बात करूं तो ये जो सिंपल मॉडल लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, ये प्रोबेबली 70-80% एक्यूरेट मॉडल शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको यह पता है कि ड्रैग की फोर्स कितनी होगी, बहुत कम होगी, मतलब जितनी फोर्स ये है उसके मुकाबले में ड्रैग की फोर्स बहुत कम होगी, फ्रिक्शन की फोर्स जाहिर है मतलब फ्रिक्शन
एयर फ्रिक्शन की बात करें वो ड्रैग में ही आ जाएगी, ठीक है। ग्रेविटी के एलिमेंट की बात करें तो ये 0.001% ऑफ या 0.1% ऑफ दिस फोर्स होगी। विंड की बात करें तो हो सकता है 1 या 2% हो, ठीक है। तो अगर आपका मॉडल जो है वो 70-80% एक्यूरेट है, ठीक है, विद ओनली सिंप्लीफाइड मॉडल, तो 70-80% मॉडल को जब आप मतलब उसके एनालिसिस करोगे तो मोर और लेस आपके सारे एलिमेंट्स मौजूद हो जाएंगे। बाकी जो 30-20% मतलब 20-30% या 30-20% इनएक्यूरेसी है, उस इनएक्यूरेसी को वी विल एक्सेप्ट इट। वी विल एक्सेप्ट इट क्यों? ताकि हमारे जो एनालिसिस हैं वो थोड़े से ज़ाहिर है कि हम अभी बेसिक लेवल के एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम अपने आप को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल की तरफ नहीं लेके जाते, हम एक्यूरेसी को कम्प्रोमाइज़ करते हैं ताकि हमारे पास सिंप्लीफाइड मॉडल लगे बन जाए। उसके बाद हम उसका कंट्रोलर वगैरह या जो कुछ भी हम बनाते हैं वो बना लेंगे, और आखिर में जो 20-30% एक्यूरेसी थी उसको हम फाइन ट्यूनिंग के थ्रू जो है वो सेटल डाउन कर लेंगे। मतलब जहाँ पे आपने जो है वो एक गेन की वैल्यू जो है फर्ज करें 10 आती है, वहाँ पर आप जो है मतलब सिंप्लीफाइड रिजल्ट से, तो हो सकता है कि जब आप उसको एक्चुअल सिस्टम पे अप्लाई करो तो वो 10 नहीं बल्कि 10.5 या 9.5 हो, जिससे आपको वही रिजल्ट मिल जाएंगे जो आप चाहते हो, ठीक है। तो इन एक्यूरेसी की वजह से आपके गेन की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती कि आप कहें कि इस गेन की वजह से मुझे तो मतलब इसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि मुझे कितना प्लस माइनस करना है। तो ये प्लस माइनस 0.1, 0.2, 0.3 गेंस चेंज करके यू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो वी विल गो फॉर द सिंप्लीफाइड मॉडल टिल मतलब हमें 70% भी अगर एक्यूरेसी मिलती है सिंप्लीफाइड मॉडल में, तो वी विल गो फॉर इट रादर देन वी गो फॉर एक्यूरेट मॉडल और बाद में हमारे जो है वो हम एनालिसिस ही हमारे जो है वो स्टक हो जाएं और हम जो है वो एनालिसिस ही ना कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक एक सिस्टम है, ओके। अब जब हम एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसीज की बात कर रहे हैं तो उसमें चलिए हम एक और बात कर लेते हैं। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं लीनियर सिस्टम, ठीक है। हमारा जो कंट्रोल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, जो कंट्रोल लीनियर कंट्रोल सॉरी जो हम लोग कंट्रोल थ्योरी पढ़ रहे हैं क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी, उस वो क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है किसके ऊपर? लीनियर सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है। मैं एक और टर्म भी ऐड करूंगा बाद में, लीनियर सिस्टम क्या होते हैं। लीनियर सिस्टम हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, हम दोबारा बात कर लेते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी। लीनियर सिस्टम क्या होते हैं जी? लीनियर सिस्टम ऐसे सिस्टम, अगर मैं ग्राफिकली बात करूँ तो वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अगर मैं मैथमेटिकल बात करूं तो आप लोगों से क्या है जी, वेरिएबल्स के नो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, नो पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम बात की है, उसी को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ। नो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, नो पावर ऑफ वेरिएबल, नो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप, ठीक है। नो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप यानी कि साइन कॉस टेंज वगैरह टेंजेंट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्राफ अवेलेबल है तो स्ट्रेट लाइन आ गई तो देन इट्स ओके, मतलब लीनियर सिस्टम होगा। लेकिन अगर एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो आप ये तीन चीजें उसको उधर इंश्योर करोगे कि तीन चीजें आपके पास मौजूद हैं कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो लीनियर हो, ठीक है। जो भी सिस्टम लीनियर होगा वो किसी खास रेंज में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, चले ये एक कर्व मैं बनाता हूँ, चले ये एक कर्व है, दिस इज नॉट लीनियर, ठीक है। लेकिन दिस मे बी ट्रीटेड एज लीनियर इन सर्टन सेगमेंट्स, इसको अगर मैं छोटी छोटी सेगमेंट्स में डिवाइड कर लूँ तो उन सेगमेंट्स के हिसाब से ये लीनियर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो सेगमेंट्स हैं ये इंडिविजुअल सेगमेंट्स में हैं वो ये सारी लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइंस हैं, ऐसा ही है ना। इसको मैं स्ट्रेट लाइन सब ट्रीट कर सकता हूँ, इसको स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकता हूँ डिफरेंट स्लोप की, लेकिन ये डिफरेंट सेगमेंट्स लीनियर हैं। तो जब भी आपका कोई सिस्टम, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो लीनियर हो, ठीक है। लीनियर सिस्टम जो है वो मतलब एब्सोल्यूट लीनियरिटी डजंट एग्जिस्ट, तो लीनियर सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। लीनियर सिस्टम कैसे बनता है? उसके ऊपर एब्जम्पशन अप्लाई करके आप कहते हैं कि इस रीजन में ये मेरा जो सिस्टम है ये लीनियर होगा, इससे आगे पीछे जाएंगे तो आपके पास लीनियरिटी कंप्रोमाइज होगी, ठीक है। तो लेकिन अगर मेरे एनालिसिस हैं ही इसी रेंज में, इस बाउंड्री में, तो जाहिर है कि ये लीनियर सिस्टम है,
ठीक है, इवन जो रेजिस्टर आप लेते हो वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, आपको ये पता है कि दिस इज नॉट लीनियर, ठीक है। इसमें हम ये कहते तो हैं कि वी जो है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इसमें भी एजम्पशन मौजूद है कि रेजिस्टेंस किस तरह से आपके पास वेरी होगी, और प्लस आपके पास जो है वो टेम्परेचर और बाकी चीज़ों के ऊपर आपकी कंडीशन या एजम्पशंस लगानी होती हैं, ठीक है। तो जो लीनियर सिस्टम है वो एग्जिस्ट करेगा ओनली इफ यू इम्पोज सर्टन कंडीशंस, अगर आप सर्टन कंडीशंस अप्लाई कर दोगे तो वो लीनियर सिस्टम बन जाएगा, अदरवाइज वो लीनियर नहीं होगा। लीनियर सिस्टम का फायदा क्या है? लीनियर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम जिसके ऊपर हम सुपर पोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या है? ठीक है, वी कैन अप्लाई सुपर पोजिशन थ्योरम, वी कैन अप्लाई सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है। सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करने का मतलब क्या है कि अगर आपके सिस्टम में एक से ज्यादा इनपुट है, ठीक है, एक से ज्यादा इनपुट का मतलब हो गया फर्ज करें दो इनपुट्स हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं, एफ वन लग रही थी, एक टू लग रही थी, ठीक है। एफ वन की वजह से जो फोर्सेस आपके पास आ रही हैं आप क्या करोगे, आप उसको अलग से, मतलब ये एक सिस्टम है इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, तो जाहिर है एफ वन की वजह से एक आउटपुट जनरेट होगी और एफ टू की वजह से दूसरी आउटपुट जनरेट होगी। सुपर पोजिशन थ्योरम ये कहता है आपको कि आप एफ टू को जीरो रख लो, मतलब एक फोर्स को जीरो रख के एक आउटपुट निकाल लो, आउटपुट वन, ठीक है। इसी तरह से एफ टू अप्लाई करो, उसके जो है वो आउटपुट टू निकाल दो एफ वन को जीरो रखते हुए, और इन दोनों को सम अप कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल जो आउटपुट आएगी वो बिल्कुल वही होगी कि दोनों फोर्सेस एफ वन और एफ टू मतलब एक साथ लगी हुई हैं और उससे अलग एक पूरी फोर्स जो जनरेट होगी, ठीक है। दिस इज व्हाट द सुपर पोजिशन थ्योरम इज, कि आप जो है वो फोर्सेस को अलग कर सकते हो, दो इनपुट्स को अलग अलग करके उससे कंबाइन करके एक आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डील विद दी सुपर हाउ यू यूज द सुपर पोजिशन थ्योरम। इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे आगे चल के भी, ठीक है। तो सुपर लीनियर सिस्टम के ऊपर जो है वो सुपर पोजिशन थ्योरम लगाया जा सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद एक और टर्म मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, माइंड इट, कि अभी हम कंट्रोल सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, पहले तो हमने क्या कहा कि जो कंट्रोल सिस्टम की थ्योरी हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो जो हम डेवलप करेंगे भी थ्योरी, वो थ्योरी अप्लाई होती है लीनियर सिस्टम पे, ठीक है। मतलब जो कंट्रोल थ्योरी हमने अप्लाई करनी है वो सिर्फ इस डब्बे के अंदर लग सकती है, इस डब्बे के बाहर जो जो चीज़ें हैं वो नॉन लीनियर सिस्टम बाहर है, बाकी सिस्टम चीज़ें बाहर हैं, बाहर हैं, बाहर हैं, बाहर हैं। तो मैंने पहले पहले इस्टेब्लिश किया कि जो थ्योरी में पढ़ रहा हूँ, जो इस बॉक्स में फिट होती है, वो लीनियर सिस्टम होना चाहिए। इसके साथ मैं एक और टर्म यूज़ कर रहा हूँ, टाइम इन वेरिंग सिस्टम, टाइम इन वेरिंग सिस्टम, टाइम इन वेरिंग सिस्टम क्या होता है? टाइम वेरिंग सिस्टम एक चीज होती है और एक होता है टाइम इन वेरिंग सिस्टम, ठीक है। टाइम वेरिंग सिस्टम क्या है? टाइम वेरिंग सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जो है वो आप कार पे ट्रेवल कर रहे हैं, कार पे पहले जब आपने स्टार्ट लिया तो आपके पास चार लोग थे, ठीक है। जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो आपने दो बंदे रास्ते में उतार दिए, तो और आखिर में जो है सिर्फ एक बंदा पहुंचा, बाकी तीन बंदों को आपने रास्ते में उतार दिया। तो अब क्या हो रहा है, अगर मैं इस कार के मैस की बात करूं, चार बंदों का मैस प्लस कार का मैस कितना हो जाएगा, मतलब लेट से 100 kg जो है वो कार का मैस है, और 50-50 kg जो है वो चार बंदों का मैस है, तो क्या हो गया जी, आपके पास तकरीबन 300 kg हो गया। अब ये 300 kg स्टार्ट में था, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आपने मतलब फर्ज करें 100 किलोमीटर चलना था, 100 किलोमीटर में से आपने 20 किलोमीटर पे एक को उतार दिया, 50 किलोमीटर पे दूसरे को उतार दिया, फिर इसी तरह से 70-75 किलोमीटर पे आपने तीसरे को उतार दिया। तो अब आप देखो, तो 50 kg 20 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 50 kg कम हो गया, ठीक है। इसी तरह से 20 kg कम हुआ, फिर आपके पास जो है वो नेक्स्ट किलोमीटर पे आपका जो है वो 50 kg कम हो गया, मतलब 50 more kg कम हो गया, फिर इसी तरह से फिर 75 किलोमीटर पे आपका फिर जो है वो 50 kg कम हो गया, यानी कि आपका 150 kg वेट कम हो गया, ठीक है। अभी मैं एक और एलिमेंट ऐड करूंगा, वो बाद में बात करूंगा। तो अब क्या हो रहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी मास, इसका मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, राइट। तो मास की वेरिएशन की वजह से
आपका जो सिस्टम है वो टाइम वेरिंग सिस्टम है, नॉट इन वेरिंग, मतलब टाइम वेरिंग सिस्टम है, टाइम के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो ऐसे सिस्टम जिनका जिनकी प्रॉपर्टी टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ साथ चेंज होती जाए, उनको हम टाइम वेरिंग सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं कार की बात करूं, तो जाहिर है कि जब आपने 100 किलोमीटर चलना था, तो 100 किलोमीटर चलने में आपका पेट्रोल भी तो खर्च हो रहा है। अब वो पेट्रोल बर्न होके आपके गाड़ी के सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो पेट्रोल की वजह से भी तो मैस चेंज हो रहा है। ठीक है। अब इसको मैं जरा एग्जाम्पल कर देता हूँ। फर्ज करो कि अब वही कार है और उसमें सिर्फ एक बंदा जा रहा है, एक बंदा जा रहा है, कार है आपके पास, कार का वेट जो है 100 kg है, और जो बंदे का वेट है वो 50 kg ही है, तो इसका मतलब है 150 kg, द कार इज कैरिंग 150 kg, स्टार्ट से लेकर एंड तक 150 kg अपनी जगह पर रहता है, लेकिन पेट्रोल भी तो खर्च हो रहा है। 100 किलोमीटर का मतलब है, लेट से जी आपके पास 10 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। ठीक है, 10 लीटर का, 10 लीटर पेट्रोल 10 कर लें या 8 kg कर लें, तो अब आपके पास क्या है, 150 kg के मुकाबले में आपका 8 kg वेट कम हो गया। ठीक है, दो इट इज टाइम वेरिंग, क्योंकि जा रहा है पेट्रोल जल रहा है, पेट्रोल बर्न हो रहा है, तो उसकी वजह से वेट जो है वो वेरी कर रहा है। तो 150 kg कम हो, फिर 150 में से तकरीबन 8 kg जो है वो कम हो गया। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं, तो परसेंटेज ऑफ मास वेरिएशन इज नॉट एज मच एज कंपेयर टू द वन जिसमें 50-50 kg के बंदे हम जो है वो डिफरेंट स्टॉप पे उतार रहे थे। ठीक है, तो दो इट इज टाइम वेरिंग सिस्टम, बट द वेरिएशन ऑफ मास इज वेरी लेस, वेरी स्मॉल, तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली टाइम इन वेरिंग सिस्टम। ठीक है, वैसे तो कार की अगर मैं बात करूं, तो कार का हो सकता है असल वेट जो वो कैरी कर रहा हो, मे बी वो 100,000, वो 1,000 kg के करीब हो, तो अब 1,000 kg में से 8 लीटर पेट्रोल जाना, इट इज वेरी वेरी, मतलब जो क्या है, स्मॉल फ्रैक्शन, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेरिंग और टाइम इन वेरिंग सिस्टम पता चल गया आपको। टाइम इन वेरिंग सिस्टम हो सकता है कि कोई सिस्टम आपको ऐसा ना मिले जो टाइम इन वेरिंग सिस्टम हो, लेकिन विद सर्टेन अजम्पशन हम उसको टाइम इन वेरिंग सिस्टम ले सकते हैं, जिसका मैंने कार की एग्जाम्पल दी कि 1,000 kg के मुकाबले में 8 kg पेट्रोल का वजन कम होना इतना मीनिंग नहीं रखता, इट इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, तो वी कैन ट्रीट इट एज टाइम इन वेरिंग सिस्टम। ठीक है, तो अच्छा, इसी के साथ अगर मैं रॉकेट की एग्जांपल आपको दूं, रॉकेट आपको फर्ज करें कि जी रॉकेट है वो 10,000 kg आपके पास जो है उसका वेट है, 10,000 kg टेक ऑफ मास है, टेक ऑफ मास की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, रॉकेट है आपके पास, और आपको ये पता है रॉकेट में जाहिर है सारा जो भी वेट होता है या मास होता है वो उसके फ्यूल का मास होता है। ठीक है, अब अगर वो फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है, तो वो हर सेकंड में मतलब बहुत ज्यादा केजीज बर्न हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मास उसका डिक्रीज हो रहा होता है, तो अब वो हर सेकंड में मतलब हो सकता है 100 kg हर सेकंड के हिसाब से उसका मास जो है वो 100 kg कर लें, 50 kg कर लें, उसका मास डिक्रीज हो रहा है। तो नाउ दिस फ्रैक्शन इज नॉट एज हाई एज कंपेयर टू दी कार केस, और देन जाहिर है रॉकेट में आप एक स्टेज को सेपरेट कर देते हो, जब आप एक स्टेज की इसको सेपरेट कर देते हो, तो जाहिर है कि एक मास ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उसको हम टाइम इन वेरिंग सिस्टम नहीं कह सकते, उसको टाइम वेरिंग सिस्टम ही कहा जाएगा, उसके अंदर हमें डिफरेंट तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से एयरक्राफ्ट के मुकाबले एक की बात कर लें, तो एयरक्राफ्ट में भी जाहिर है कि अगर फ्यूल भरने की बात करूं, तो इतना ज्यादा फ्यूल बर्निंग नहीं हो रहा हो रही होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके अंदर जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो पैराट्रूपर्स जंप करना शुरू कर दें उस एयरक्राफ्ट के ऊपर से, तो जाहिर है एक वेट जो है वो काफी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा, और उसके मुताबिक आप उसको टाइम इन वेरिंग सिस्टम शायद ना कह सकें। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम वेरिंग एंड इन वेरिंग सिस्टम। अच्छा, हमारी जो क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी है वो एप्लीकेबल है लीनियर सिस्टम पे और टाइम इन वेरिंग सिस्टम पे। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इन वेरिंग सिस्टम। तो
मसला क्या है कि कोई भी सिस्टम अगर वो लीनियर नहीं है, ठीक है, नॉन लीनियर है, अगर वो नॉन लीनियर है पहली बात, अगर वो क्या है टाइम वेरिंग है, अगर वो टाइम वेरिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो इस बॉक्स में फिट नहीं हो सकता। इस बॉक्स में फिट करने के लिए क्या करूंगा, मैं नॉन लीनियर सिस्टम को लीनियर बनाऊंगा। कैसे किया जाता है बाद में बताता हूँ, बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ अजम्पशंस की जाती हैं, कुछ उसके ऊपर काम किया जाता है, तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टाइम वेरिंग सिस्टम क्या है, अगर वो टाइम वेरिंग है तो अजम्पशन लगा के उसको टाइम इन वेरिंग सिस्टम बनाया जाएगा, ताकि वो इस डब्बे के अंदर फिक्स हो सके, ताकि हम उसके ऊपर क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी अप्लाई कर सकें, ठीक है। क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी एप्लीकेबल है ओनली ऑन लीनियर टाइम इन वेरिंग सिस्टम। अगर कोई सिस्टम ये नहीं होगा तो वी नीड टू अप्लाई सर्टन एजम्पशन, सर्टन प्रोसेस, जिससे जो है हमें क्या पता चल जाएगा, जिससे हम जो है वो क्या कर लेंगे, हम उसको इस बॉक्स में फिट कर देंगे। जब वो बॉक्स में फिट हो जाएगा तो हमारा काम जो है वो हम जो है क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी की सारी थ्योरी जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफर, देखें ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं। अब इसमें एक चीज देखें कि हम क्यों क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, हम जो है वो कंट्रोल थ्योरी अप्लाई करना चाहते हैं, और सारे एनालिसिस हम कहाँ करेंगे, हम कंप्यूटर में करेंगे। तो जब हम कंप्यूटर में करेंगे तो जाहिर है कि हमें खास तरह से उसको कंप्यूटर में लिखना पड़ेगा। जो कंप्यूटर में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो किस तरह से लिखी जाती है, कंप्यूटर में जो भी चीज़ है वो मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के हिसाब से लिखी जाती है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो या मैथमेटिकल इक्वेशन हो या मैथमेटिकल मॉडल हो, वो तो हमें बनाना पड़ेगा। उसके साथ एक और चीज़ कंट्रोल थ्योरी में यूज होती है, जिसको हम ट्रांसफर फंक्शन का नाम देते हैं। ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आपके मजीद जो कंट्रोल थ्योरी की अप्लाई करने के लिहाज से हमें और बहुत सारी आसानियां दे देता है, ठीक है। तो हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है जी? ट्रांसफर फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इज द ट्रांसफर फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट ओवर इनपुट, यानी कि ये आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप आपको बता रहा होता है कि कितनी इनपुट अप्लाई करोगे कितनी आउटपुट बनेगी, और ये किस डोमेन में होता है, इन लेप्लास डोमेन, ठीक है। लेप्लास की डोमेन में हम ये काम करते हैं, ठीक है। यानी कि एस ट्रांसफॉर्म लेंगे और उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर के बारे में भी बात करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है। नॉर्मली हम ये चाहते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन जा रहा है कि एक ट्रांसफर फंक्शन जो है उसके अंदर एक पॉलिनोमियल होगी, ऊपर भी और न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, और ये पॉलिनोमियल क्या होगी, पॉलिनोमियल ऑफ एस होगी, ठीक है। कोई एस की पावर क्या कहते हैं एम होगी वो न्यूमरेटर में, एस की पावर एन होगी डिनोमिनेटर में, जाहिर है इनके साथ कोफिशेंट्स मौजूद होंगे अपनी जगह पर, पॉलिनोमियल जिस तरह से लिखी जाती है। अच्छा, नॉर्मली जो प्रॉपर आपके पास फंक्शन होता है या प्रॉपर जो सिस्टम होता है उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉलर होता है, मतलब न्यूमरेटर की जो पावर होती है वो स्मॉलर होती है डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर में आप हायर आपके पास ऑर्डर की पॉलिनोमियल होगी और न्यूमरेटर में लोअर ऑर्डर की पॉलिनोमियल होगी। माइंडेड दिस इज नॉट ओनली एस एम, यहाँ पे कोफिशियंट्स आएंगे और बहुत सारी पूरी चीज़ लिखी होगी। तो दिस इज द पॉलिनोमियल, वन पॉलिनोमियल, ठीक है, और इसी तरह से दूसरी वाली भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में आउटपुट होगा, इनपुट होती है, और ट्रांसफर फंक्शन जो है वो हमेशा एस डोमेन में होता है। ट्रांसफर फंक्शन के बारे में अगर मैं मजीद थोड़ी सी बात करूं तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन आपके सिस्टम की प्रॉपर्टी को बता रहा होता है। दिस मतलब ट्रांसफर फंक्शन आपको सिस्टम की करेक्टरिस्टिक बता रहा होगा, ठीक है, सिस्टम की करेक्टरिस्टिक बता रहा होगा। इट डजंट डिपेंड अपॉन आउटपुट और द इनपुट, आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप जरूर है ये, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन इज एक्चुअली द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो है एक सिस्टम मौजूद है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक की बात अगर मैं करूं तो हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है उसमें उसकी अपनी क्या डायनामिक्स है, मैं कम फोर्स लगाता हूं उससे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करता हूं उससे
ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फोर्स और इन आउटपुट ये दोनों आपस में तो रिलेटेड हैं, लेकिन जो ट्रांसफर फंक्शन है वो सिर्फ इस चीज को बता रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 10 न्यूटन की फोर्स एक पत्थर पे लगाऊं तो उससे जो डिस्प्लेसमेंट होगा हो सकता है वो 1 मीटर का हो, लेकिन वही 10 न्यूटन की फोर्स में एक फुटबॉल पे लगाऊं तो उससे जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा वो हो सकता है 3 मीटर हो। ठीक है, बिकॉज फुटबॉल की अपनी डायनामिक्स है, पत्थर की अपनी डायनामिक्स है। तो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या बता रहा होगा, वो उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज या उसकी डायनामिक्स के बारे में बता रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ट्रांसफर फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ मतलब इज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, इट डजंट डिपेंड अपॉन द इनपुट और द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बाकी जाहिर है कि जब मैं आउटपुट और इनपुट को आपस में रिलेट करूंगा तो यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे मीटर है, तो ट्रांसफर फंक्शन टेक केयर ऑफ दी यूनिट कन्वर्जन, कि न्यूटन जो है वो मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट उसकी ट्रांजिशन मौजूद होती है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, अगर हमारे पास जो है जाहिर है किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन पता है तो हम उसकी आउटपुट और इनपुट डिफरेंट इनपुट्स के साथ डिफरेंट आउटपुट जो जनरेट होंगी वो हम बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो हमारे पास अगर अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है और उसकी आउटपुट और इनपुट की का टेबल मौजूद है या रिलेशनशिप्स मौजूद हैं, तो हम हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं कि हम उसका ट्रांसफर फंक्शन भी निकाल सकें। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोटर है, उस मोटर आपके पास मौजूद है लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ नहीं पता, तो आप लैब में बैठ के उसके ऊपर डिफरेंट इनपुट दे के उसकी आउटपुट मतलब आरपीएम को निकाल के आरपीएम देख के यू कैन डिफाइन कि आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है उस मोटर का वो क्या होगा। और अक्सर वो बेशतर हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आगे चल के इंशाल्लाह जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगा ये। ठीक हो गया जी, तो ट्रांसफर फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कंट्रोल थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें हम जो है वो ट्रांसफर फंक्शन से ही खेल रहे होते हैं या ट्रांसफर फंक्शन को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन चले निकालते हैं, कुछ ट्रांसफर फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं जी। अच्छा जी, मैंने अभी आप लोगों के एक एग्जांपल दी थी, एफ इज इक्वल्स टू एम एक्स डबल डॉट। ठीक है, ये क्या है जी, मैथमेटिकल मॉडल है। तो किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालने के जो स्टेप्स हैं, चले मैं स्टेप भी साइड से लिख देता हूँ। पहला स्टेप है कि आपका उसको मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल मॉडल चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन निकालना है अगर आपने तो आपको एक मैथमेटिकल मॉडल की जरूरत है। मैथमेटिकल मॉडल आ गया आपके पास, उस मैथमेटिकल मॉडल को आप क्या करेंगे, यू विल टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे आप जी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनिशियल कंडीशन हम फिलहाल जीरो ले लेते हैं। नॉर्मली जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन होता है उसमें इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो हम यूजुअली जीरो ही लेते हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। तो इसकी अगर मैं इनिशियल लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम एस एक्स, इनिशियल कंडीशन सारी जीरो है क्योंकि मैं कैपिटल यूज कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है अंडरस्टूड है कि ये ऑलरेडी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप है आपने जो है वो रीअरेंज करना है, रीअरेंज इक्वेशन एज आउटपुट ओवर इनपुट। यानी कि इसमें से आपने आउटपुट देखना है कौन सी और इनपुट कौन सी है। कौन सी इनपुट है जी, फोर्स इज द इनपुट, तो आउटपुट क्या है, एक्स। इसको रीअरेंज करें, ये स्क्वायर आएगा क्योंकि एस स्क्वायर है ये। रीअरेंज करें, एफ इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, एम एस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं रीअरेंज करूं आउटपुट ओवर इनपुट की फॉर्म में तो क्या बन जाएगा जी, एक्स डिनोमिनेटर में है ये इधर चला गया और ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एम एस स्क्वायर। तो ये क्या है जी, आउटपुट, ये है इनपुट। तो आउटपुट ओवर इनपुट की जो रिलेशनशिप है इन एस डोमेन, ठीक है,
आउटपुट ओवर इनपुट की रिलेशनशिप इन एस डोमेन इज व्हाट ट्रांसफर फंक्शन। तो आप देखो तो ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आपके पास बनाने के तीन या तीन स्टेप्स हैं, बेसिकली तीन स्टेप्स से जो है वो आपका ट्रांसफर फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अच्छा एक और एक मैथमेटिकल इक्वेशन लेते हैं जी। एक और मैथमेटिकल इक्वेशन है जे डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। टॉर्क जे इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब वही न्यूटन का सेकेंड लॉ एंगुलर मोशन के लिए जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है एंगुलर, मतलब टॉर्क क्या है, जब आप हैंडल दरवाजे का हैंडल पकड़ के आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, आप एंगुलर मोशन या एंगुलर फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, उस टॉर्क की वजह से क्या होता है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप जो दरवाजा है वो एंगुलर मूवमेंट कर रहा होता है। यानी कि ये अगर आपका दरवाजा है तो दरवाजा जो है वो अपने पिवट पॉइंट के ऊपर जो है वो या तो इधर चला जाएगा या वो इधर चला जाएगा। तो ये उसकी क्या है, ये उसकी एंगुलर मूवमेंट है। ठीक है, इसी को अगर आप रॉकेट पे अप्लाई कर दो, ठीक है, रॉकेट में अगर आप देखें तो अगर आप टॉर्क अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर जो है वो टॉर्क अप्लाई करते हो तो क्या होगा, ये टॉर्क है जो कि इसके एंगुलर मूवमेंट के अंदर इसको लेके जा रहा है। ठीक है, तो टॉर्क की वजह से इसके अंदर जो है वो कोई थीटा प्रोड्यूस, मतलब अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, ये टॉर्क आपने अप्लाई किया तो टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये वाला रॉकेट, ये मूवमेंट, ये जो भी आपके पास पेंडुलम है या जो भी आप इसको कंसिडर करें, तो ये क्या होगा, ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, ये मूव करेगा, तो ये टॉर्क अप्लाई हुआ, जब भी टॉर्क अप्लाई होगा तो थीटा एंगुलर मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। तो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल इक्वेशन है या मैथमेटिकल मॉडल है, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो इस मैथमेटिकल मॉडल को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप इसकी जो है वो क्या करना है, पहला स्टेप मैथमेटिकल मॉडल बनाया, दूसरा स्टेप आपने इसको क्या किया, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जे एस स्क्वायर कैपिटल थीटा इनटू, इसको टॉर्क करना है, मतलब कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इसको स्मॉल टॉ लिख दें, ठीक है, और कैपिटल टी जो है वो इसको एस डोमेन के लिए छोड़ दें। तो इसमें आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है, इनपुट ये टॉर्क अप्लाई कर रहे हो एंगुलर फोर्स, ठीक है, तो ये इनपुट है और उसकी वजह से जो जो चीज़ रिजल्ट, मतलब जो इसका रिजल्टेंट है वो एंगुलर क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा इज द आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट, थीटा ओवर टॉ इज इक्वल्स टू, रीअरेंज कर रहा हूँ मैं आउटपुट ओवर इनपुट की फॉर्म में, तो वन ओवर जे एस स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक और चीज़ में कंक्लूड करते हैं, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर का जो है वो यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ये वाला ट्रांसफर फंक्शन है, फॉरगेट अबाउट दी नोटेशंस, यहाँ इसका और इसका ट्रांसफर फंक्शन सेम है, एम भी कोई कांस्टेंट है, जे भी कोई कांस्टेंट है, फर्क करें कि एम की वैल्यू भी वन है और जे की वैल्यू भी वन है, तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस रॉकेट एंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फुटबॉल इट इज सेम, वन ओवर एस स्क्वायर, वन ओवर एस स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसफर फंक्शन किसी भी, मतलब बहुत सारे सिस्टम का जो है वो एक ही ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है, यानी कि वन ट्रांसफर फंक्शन कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल सिस्टम, मैनी सिस्टम्स। ठीक है, एक ट्रांसफर फंक्शन जो है वो बहुत सारे सिस्टम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, इट इज नॉट यूनिक कि हर मतलब सिस्टम का एक अलग ही ट्रांसफर फंक्शन होगा, इट्स नॉट दैट वे, इट इज नॉट यूनिक। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि एक लीनियर मोशन का ट्रांसफर फंक्शन और एक एंगुलर मोशन का ट्रांसफर फंक्शन, जो कि रॉकेट या टेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं, रॉकेट या क्या कहते हैं दरवाजे के हिसाब से हमने देखा, तो उन दोनों का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो सेम आया। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो यूनिक नहीं होगा, ये ट्रांसफर फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे बात करते हैं और मज़ीद इसी चैप्टर में चीज़ें ऐड करते हैं। दिस थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।